स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी ओर से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे, परंतु यह विषय स्वायत्त शासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है जैसी कि हमें आशा है, और मैं समझती हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। विराम। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति न आने पाए। विराम। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। विराम। इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। विराम। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि इन केंद्रों के साथ साथ बेसहारा महिलाओं के लिए जो कि समाज से तिरस्कृत हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जगह जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए जहां उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरफ भी प्रयत्न किया जाए। विराम। इस विषय में मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनकी तरफ हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं, जिनको अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है और उनके लिए केंद्र बनाए जाएं और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखें, पढ़ें लिखें। विराम। यदि इसमें बाहर के सदस्य हों तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो, ऐसे योग्य लोगों से सहायता लीजिए। विराम। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा और नीति हमने बनाई है वह असफल
हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकेंगे। विराम। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। विराम पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। विराम। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। विराम। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। विराम। जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था, तो उसने 1956 में ही, जबकि न तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, इस बारे में रूस ने विरोध किया। विराम। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। विराम। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। विराम पैरा। प्रश्न यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं। विराम। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। विराम। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते। विराम। लेकिन जहाँ तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। विराम। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है कि उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी गलत दिखाया है। विराम। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट
कहते आए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है, उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है। विराम। यह बात उत्साहवर्धक नहीं है।